जय हिंद। आज हम बात करेंगे कोण पर निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसमें हमारे कोण निकालने वाले जो क्वेश्चन हैं वो रह गए थे, तो उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने 0 डिग्री पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं वो हमने कर लिए, या संपाति आपसे पूछ लेगा या एक साथ वाली स्थिति आपसे पूछ लेगा, तो उस पर हमने डिस्कस कर लिया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे समकोण, विपरीत या सरल सीधी रेखा में, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और ध्यान रहे आगामी जो हमारे एग्जाम है उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो समकोण अगर आपको देगा तो 90 डिग्री मानना है, और अगर आपको लंबत अगर दे दें तब भी आप 90 डिग्री मानोगे। अब हमसे यहाँ पर किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा कि 4 और 5 बजे के बीच समकोण की स्थिति किस समय होगी, उसका समय क्या होगा। तो मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि 12 घंटे में समकोण की स्थिति 22 बार बनती है, मतलब एक घंटे में 2 बार समकोण की स्थिति होती है, तो इसका मतलब 12 घंटे में हो गया 22 बार, क्योंकि जब एक घंटे में 2 बार होती है, मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि 12 घंटे में 22 बार होता है। तो हमें ध्यान रखना कि समकोण 4 और 5 बजे के बीच 2 बार स्थिति होगी कि यहाँ पर 2 समकोण बनेंगे, इसके अलग अलग समय होंगे, दोनों निकाल लेंगे। और मैंने आपको रूल्स बताया था कि कोण बराबर 30 × 11 / 2। इसके अलावा आप विकल्प से इसका आंसर निकाल सकते हो, विकल्प से आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा, वो बात की बात है। पहले हम रूल्स के अनुसार करते हैं कि हाँ इसके 2 समय वे कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। तो पहला तो हम कर लेंगे इसके अनुसार, तो हमें पता है कि अगर हम इसके 2 मान निकालते हैं तो आपको 11/2 पहले लिखना पड़ेगा एक रूल्स में, और एक में बाद में लिखना पड़ेगा। तो हम इसे जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, कोण बराबर 30 × h और माइनस का 11/2 इससे निकालेंगे, और इसके अलावा कोण बराबर 11/2 और माइनस का 30 × h। अंतर दर्शाता है कि जो संख्या जिससे बड़ी होगी उसमें से घटा देंगे, अंतर का मतलब ये होता है। अब हमें पता है कि समकोण की स्थिति दी है उसने, 4 और 5 बजे के बीच समकोण की स्थिति किस समय होगी, तो 2 समय आने हमारे। अब हम निकालते हैं इससे सबसे पहले, तो कोण कितने लेंगे 90 बराबर, और हाँ हमें ध्यान रखना है h का मान हमारा इसमें 4 होगा, जो पहले वाला जो समय होता है 4 बजे के बाद ही 2 स्थिति बनेंगी, तो h का मान 4 हुआ। 30 × h माइनस 11/2, तो h का मान हम यहां से ले लेंगे 4, 11/2 अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 × 12 90 हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास बचेगा 30, 30 × 60 11 इसके नीचे ले जाएंगे तो m बराबर 60/11, तो हम लिखेंगे इसे 5/11 मिनट। इसका मतलब एक समय होगा आपका 4:05/11। एक समय तो ये है कि हाँ इस समय, मतलब जब आपके घंटे में 4:05/11 अगर बज रहे हैं तो उस वक्त जो है 90 डिग्री का कोण बनने है दोनों सुई को बीच। अब हम इसके अनुसार करते हैं, 90 बराबर 11/2 माइनस का 3/12 120, एच का मान 4 रख लेंगे, 3/12 ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 11/2 = 210, 120 को जब 90 को जोड़ेंगे तो 110, क्योंकि आपका ही प्लस का हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 420/11, 210 × 2 = 420, 11 नीचे जाएगा, तो अब हम m बराबर जो निकालेंगे 11 × 33 = 9 90 × 11 = 88, तो एक समय होगा हमारा 4:38/2 मिनट। और अब मैंने आपको जो मेरी दूसरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोण दे दे 90 डिग्री दे दे या विपरीत की स्थिति दे दे, मतलब 180 कोण दे दे, 90 डिग्री दे दे, 0 डिग्री दे दे, तो अगर ये स्थिति अगर आपको देता है तो विकल्प आपको 4 देगा, और 4 में आपको क्या देखना है, जो हमारे पास संख्या होगी
बटे में 11, जिस विकल्प में जो मिनट होगा उसमें बटे 11 होगी जरूर, तभी हमारा विकल्प बनेगा। तो ध्यान रखना, इस 11 को आप भिन्न के रूप में ना लिखकर सरल के रूप में लिख लेंगे, मतलब शुद्ध सरल रूप में लिख लेगा आप। कैसे? 38 सही 2/11 है, तो इससे पहले ये 420/11 था। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में आपको इकाइक अंक जीरो देखना, अगर इकाइक अंक जीरो है तो आपका विकल्प यही बैठ जाएगा और यही होगा, ठीक है। जिस प्रकार देखो 11, 5, 55, 60, तो इसका मतलब पहले क्या था, 60/11, तो आपको विकल्प को शुद्ध सरल रूप में लिखना है, उसके बाद आप उसका इकाई अंक देखोगे। अगर इकाई अंक जीरो है तो समझो आपका विकल्प वो सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चार विकल्प देगा, चार विकल्प में बटों में देगा, इस तरीके से देगा, 38 सही 2/11 कोई विकल्प मिलेगा और इन दोनों में से एक विकल्प आपको मिलेगा, तो 5 सही 5/11। और आपको ध्यान रखना है कि जिसका इकाई अंक जीरो हो जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा, मैंने आपको दूसरी वाली क्लास में बता दिया है। तो ये तो हमारा समकोण निकालने की स्थिति, विकल्प से मैंने आपको बता दिया, इस तरह से चेक कर लेना आप। तो हमारे पास दो समय हो गया, दोनों समय कौन कौन से होंगे मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये क्लॉक है, आप जानते हो क्लॉक वाइज घूमती है, तो चार तो हमारे पास 6, 5 और 4। अब हम देखते हैं कि 4:05 सही, तो इसका मतलब घंटे की सुई थोड़ी सी आगे होगी और यहाँ पर होगा 1, तो इसका मतलब ये यहाँ पर होगी। तो अब इन दोनों के बीच जो है 90 डिग्री का कोण हो गया। अब 4:38 सही, इसका मतलब 8 पर जो 8 जो नंबर है मिनट की सुई इससे कुछ ही पहले होगी। अब इनके बीच भी 90 मिनट का सॉरी इसके इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण हो गया। तो हमने यहाँ से ये देखा कि 90 डिग्री का कोण एक घंटे में 2 बार बनता है। इस प्रकार हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर समकोण की स्थिति को हम समाप्त कर लेंगे। अब आपको जो है अगर वो कहता कि 1 और 2 के बीच समकोण की स्थिति किस समय होगी, तो 2 समय आएंगे, तो h का मान यहाँ पर हम 1 लेंगे, तो दोनों स्थिति के अनुसार कर लेंगे। तो 90 डिग्री = 30 × 1 − 11 m/2। तो इससे कर लेते हैं, पहले हम 11 m/2 − 30 × 1, क्योंकि 1 बजे के बाद ही 2 समय निकल कर आएंगे, तभी हमारे 2 समकोण बन सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर 11 m/2 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा 30 और माइनस का 90, 11 m/2 और माइनस का 60। भाई माइनस का 60 तो कभी भी कोण नहीं होता, हमें करना प्लस में। तो आप जानते हो जब हम इसे घड़ी को क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो 360 डिग्री पर 1 घंटा घूम जाती है, तो इसका मतलब 360 में से 60 डिग्री अगर 60 डिग्री घटा लेंगे, 360 में से अगर हम 60 डिग्री निकालते हैं तो 300 डिग्री कर लेंगे यहाँ पर। तो 11 m/2 = 300 क्यों आया, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो m बराबर हो गया 600/11, 300 की 200 मल्टीप्लाई करेंगे और 11 इसके नीचे ले जाएंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 6 ऊपर लिखेंगे, 11 नीचे लिखेंगे, हमारे पास एक समय आएगा 1:54 6 सही 11 मिनट, एक समय आ गया। इस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों सुई के बीच, एक स्थिति होती है। तो 11 m/2 = देखो 30 ही करना, 30 जरा प्लस का कितना हो गया 120, और m बराबर कितना हो गया 4 × 12 = 24, 240/11। तो m बराबर जो आएगा 11 × 22, और 11 का ना 11 9 ऊपर लिखेंगे, 11 नीचे लिखेंगे, हमारे पास 21 सही 9/11 मिनट। तो इसका मतलब एक समय आ गया कि 1:21 सही 9/11 मिनट, और विकल्प को आपको क्या देखना है, जिसका इकाई अंक जीरो हो जाए। तो आपको होता है कि 21 सही 9/11 से पहले क्या थी, 224/11, तो इकाई अंक कितना, जीरो। इसी प्रकार इसका देख लेंगे, विकल्प में आपको अगर ये मिलेगा तो इसका हम सरल रूप लिख लेंगे, सरल रूप लिखने के बाद आपको 600/11 नजर आएगा, तो इकाई अंक जीरो होना चाहिए, वही हमारा विकल्प होता है। तो ये था समकोण की स्थिति का
यहाँ पर समय निकालना, और हमने दो समय निकाल लिए। अब हम ज्ञात करते हैं विपरीत वाली स्थिति। देखो अब हम जब विपरीत वाली स्थिति करते हैं, आपको किसी भी एग्जाम में कह देगा कि विपरीत, कि इसमें 180 डिग्री आपको दे सकता है या विपरीत दे सकता है, दोनों में से कुछ भी कह देगा तो आपको समझना है कि हाँ हमें क्या कहा गया है। तो हम देखते हैं कि हमारा रूल्स तो वही है कि कोण बराबर 30 गुणा एच अंतर्गत चिन्ह 11m अपॉन 2। तो हम यहां देख लेंगे 3 और 4 बजे के बीच विपरीत की स्थिति किस समय होगी। तो वो घंटे में ऐसा कौन सा समय होगा जब हमारी घड़ी में कि हमारी घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई विपरीत होंगी, 180 डिग्री कोण बनेगा। तो एच का मान ले लेंगे यहां से 3, तो कोण 180 हमारे पास है बराबर 30 गुणा 3, ये अंतर्गत चिन्ह है 11m अपॉन 2। हमें पता है कि 30 या 90 और 180 अगर धर ले जाएंगे तो माइनस का, तो माइनस का बचेगा हमारे पास कोण, तो इसलिए हम इसे बाद में ले लेते हैं, इसे पहले ले लेते हैं। तो ये बाद में लेंगे तो माइनस का होगा, फिर इधर आएगा तो प्लस को जाएगा। तो 11m अपॉन 2 बराबर 180 प्लस का 90, तो 11m बराबर 270, और m बराबर मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे क्योंकि 2 भी था। अभी हमारे पास हो गया कि 540 बटा 11 चौक 44, 11 नंबर 99 और एक ऊपर लिखेंगे, 11 नीचे लिखने के बाद हमारे पास जो इसका राइट समय होगा वो 3:49 सही 1/11 मिनट। इस समय जो है ये विपरीत की सुई होगी, मतलब अगर हम देखें, आपको बताया है कि 50 मिनट होने में कुछ ही समय बाकी है, तो इसका मतलब 10 पर 50 मिनट का संदेश बताती है, 10 नंबर जब मिनट की सुई होती है, तो इससे पहले हम जो है इस तरीके से विपरीत हो गई है। देखो विपरीत हो रही है, यहां पर 180 डिग्री का कोण बन गया है। अब आपको विकल्प में देखना है कि जिसका इकाई अंक 0 हो, मतलब आपको इस तरह से जो है वो संख्या देगा लिखकर, और इसका ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई कर लेना 11 नंबर 99 9 और 11 चौक 44 53, और फिर बाद में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये पूरा 540 हो जाएगा। तो इकाई अंक देखना हमें कि उसका 0 होना चाहिए, और जिसका इकाई अंक 0 हो गया वही हमारा आंसर है। इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ अलग से क्वेश्चन करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि 9 और 10 बजे के बीच विपरीत की स्थिति किस समय होगी। तो विपरीत हमें पता है कि 180 डिग्री का संदेश है, तो 180 बराबर 30 गुणा 9, क्योंकि h का मान क्या लेंगे, 9 लेंगे, जो शुरू का समय होता है वो h का मान होता है, और माइनस 11m अपॉन 2 ये धरा जाएगा प्लस का। तो हमें ये पता है कि 11m अपॉन 2 बराबर 3 × 27 2 × 70 माइनस का 180, तो 11m अपॉन 2 बराबर 90, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 90 से, तो हमें पता है कि 180 बटा 11, तो 11 का ना 11 770, 11 × 66 4 ऊपर लिखें 11 नीचे लिखा, तो हमारे पास जो हुआ समय 9:16 से ही 4:11 मिनट पर ये विपरीत होंगी। जैसे हमारे पास ये घड़ी ये है, तो अगर घड़ी ये है तो हमें पता है कि घड़ी में अगर हम 9:16 करें तो नंबर 16 ये हो तो 16 से थोड़ी सी आगे होगी, और नंबर 3 ही होगा 3 से थोड़ी सी आगे, इस तरह से होगी। तो अब हमारे पास ये विपरीत हो गया, 180 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको विकल्प देखना है जिसका इकाई अंक 0 हो जाए, जो हमारे पास इस तरह से संख्या होगी लिखी हुई उसका, उसे जो है सरल रूप में लिखना, और जिसका इकाई अंक 0 हो वही हमारा आंसर होगा। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हाँ विपरीत, समकोण और जो सरल जो एक साथ होती हैं उस पर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें सरल सीधी रेखा में हूं
तो मैं आपको बता दूं, सरल सीधी रेखा में हमारी घड़ी में दो मतलब निकलते हैं, एक तो विपरीत का और एक एक साथ वाली का। अगर आपको किसी भी एग्जाम में पूछ ले कि सरल सीधी रेखा में घड़ी 12 घंटे में कितनी बार ऐसी स्थिति होती है, तो आपका आंसर होगा 22 बार। क्यों? क्योंकि सरल सीधी रेखा में आपको 180 मानना पड़ेगा, मतलब विपरीत, और एक साथ वाली कंडीशन, ये दोनों माननी पड़ती हैं, क्योंकि ये दोनों एक सरल सीधी रेखा में होती हैं, विपरीत भी और एक साथ भी, दोनों होती हैं। अब हम इस पर कुछ करते हैं कि जो दर्पण होता है, अगर हम दर्पण पे जो प्रतिबिंब, अब ध्यान रखना आपको कि जो दर्पण प्रतिबिंब आपसे क्या कहेगा कि बताओ कि आपके घड़ी में जो है 9 बज रहे हैं। अगर आपकी घड़ी में 9 बज रहे हैं तो दर्पण में क्या समय होगा, तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप 12 में से निकालोगे या फिर आप 11:60 में से निकालोगे। इसका मतलब एक ही है, क्यों? क्योंकि एक घंटा इसमें लेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, ये तो है मिनट और ये है हावर्स, ठीक है? तो हम दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जहां पर मिनट दी हुई हो तो आप वहां पर तो ले लो 11:30, 11:60, और जहां पर आपको मिनट नहीं दी जाती तो वहां पर आप ले लोगे 12 पूरे फिक्स, ठीक? तो हमें पता है कि 9 बजे हैं तो 12 में से निकाल देंगे, तो 9 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास दर्पण में 3 बजेंगे। अब आपको किसी एग्जाम में दे देगा कि बताओ कि 3 बजकर, यहां पर 3 है, 3:35 हो रहे हैं, तो आपको बताया कि 3:35 हो रहे हैं तो 11:60 में से हम निकाल देंगे, कितना बचा 25, और 11 में से 3 गए 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दर्पण में समय होगा वो होगा 8:25। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मिनट दे देगा तो 11:30 में से और 11:60 में से, और 11:60 क्यों आया मैंने आपको बता दिया, ये फिर आप 12 में से निकाल सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा दर्पण वाला। अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। ध्यान रहे, जल प्रतिबिंब में निश्चित समय नहीं आता है। जल प्रतिबिंब में होता क्या है, जल प्रतिबिंब में निश्चित समय नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, आप जान तो ये हमारे पास क्या है, जल है, इस तरीके से जल है। अब हमारी घड़ी में अगर हमारी घड़ी में 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं पूरे, अगर 6 बज रहे हैं तो हमसे पूछेगा जल प्रतिबिंब में इसका समय क्या होगा, तो 18:30 में से निकाल देना आप, 18:30 में से निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 बजे हैं तो 6 अगर हम, इसका मतलब 18:30 में से अगर निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाए 12:30, तो हमारा आंसर क्या होगा 12:30 होगा। अब आपसे कह देगा कि आपकी जो है घड़ी में मान के चलो 7 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 7, तो अब आपको करना क्या है 7 किस में घटाने 18:30 में से, तो हमें पता है कितना आएगा 11:30। अगर आपको मिनट दे देता है वो इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ 7:10, 7:10 हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है 7:10 निकालना है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ 11:20 होंगे, आपको 11:30 में निकालना, तो 18:30 में से आपको निकालना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 11:20, 7:10 इसमें निकाल देंगे। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपको विकल्प में 11:20 ना मिले, तो आपको अगर 11:20 नहीं मिलता है तो एक घंटा कम करके देख लेना, फिर आपका 10:20 वहां पर मिल जाएगा, वो भी हमारा समय हो जाएगा, मगर वो 1% होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि जल प्रतिबिंब में हम निश्चित नहीं कर सकते कि हाँ इसका समय ये होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर 11:20 आपका राइट समय आया, अगर ये विकल्प में नहीं होता तो एक घंटा अपनी तरफ से कम कर लेंगे, आपको वो विकल्प हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ स्थिति थी जल प्रतिबिंब की और दर्पण की। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।